आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सेकंड ग्रेड टीजीटी मैथ्स का पेपर जो हुआ था 18 फरवरी 2019 में। और इससे पहले मैं एक पार्ट वन तो बना ही चुका हूं और ये सेकंड पार्ट आपका, इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गिवन है, आपका जो डायगोनल इसमें देख रहे होंगे, डायगोनल से जो अदर एलिमेंट्स है वो इक्वल डिस्टेंसेस पर लाई कर रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा कोई डिटरमिनेंट होता है हमारे पास ए बी सी, ये डायगोनल हो गया, और यहाँ एफ जी और ये एच, ठीक है, यहाँ पे आपका एफ जी एच, इस टाइप का कोई डिटरमिनेंट अगर आपके पास है, ठीक है ना, देख रहे होंगे आप सिमेट्री से एफ एफ, ठीक है ना, और ये एच एच और जी जी, ये सेम होनी चाहिए। अगर इसमें इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब यू अंडरस्टैंड, जैसे एच आपका देखो, एच जो है कहाँ पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये आपका दूसरा वाला जो एच है वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे है, ठीक है ना, वन टू टू वन, तो यू कैन अंडरस्टैंड ये। तो वैसे ही बाकी भी आपके बाई सिमेट्री इक्वल डिस्टेंसेस पर लाई कर रहे हैं डायगनल से, ठीक है। तो इस तरह का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन होता है उस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसका कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे एफ की जगह पे ए है, जी की जगह पे सी है और एच की जगह पे बी है, और बाकी ए बी सी की जगह पे, ए की जगह पे तो ए ही है, बी की जगह पे सी है और सी की जगह पे आपका बी है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा इसके अकॉर्डिंग, जो आपका रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ए सी बी, ठीक है, प्लस टू टाइम्स एफ जी एच, एफ जी एच माने एफ जी एच, तो ए सी बी, यहाँ भी आपका ए सी बी आ रहा है, माइनस ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर, तो एफ क्या है यहाँ पे आपका ए है, ठीक है। तो अगर दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो एफ आपका क्या है, ए है, ठीक है ना, तो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पे आपका सी है यहाँ पे, सॉरी बी की जगह पे यहाँ सी है, ये जो आपका डायगोनल में जो बीच में लाई कर रहा है सी, ठीक है, और जी स्क्वायर आपका भी, जी आपका सी है तो जी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी की जगह पे क्या आपका बी, और एच आपका बी है बी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, थ्री ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है ना, ये पूरा अगर हम उसको सॉल्व करके तरीके से लिखेंगे तो ए बी सी, ठीक है ना, तो ये आपका आइडेंटिटी बन गई है वैसे भी। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे जो ये है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टू, अपॉन टू मीन्स वन अपॉन टू आगे में लिख देते हैं, ठीक है, तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, होप इट इज क्लियर। तो अब देखिए जो आपका बना है ये जो ब्रैकेट है आपका, इस ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आपके सारे पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो सेकेंड ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही आएगा। जो पहला ब्रैकेट है, अब ये ए बी और सी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, तो आप ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा, जब ए बी सी पोजेस एनी वैल्यू, और ए बी सी कोई भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये तो आपका वैसे इनकरेक्ट हो गया, जो यानी कि ए बी सी कौन सी वैल्यू ले, कब नेगेटिव बने कब पॉजिटिव बने डिपेंड करता है, ठीक है ना। और दूसरा अगर आप ऑप्शन देखें, ए बी सी आर पॉजिटिव, तो अगर ए बी और सी पॉजिटिव होंगे तो जाहिर सी बात है जो लास्ट में जो आपका स्टार्टिंग में जो नेगेटिव का साइन है इसके उससे इसने नेगेटिव ही बनना है, ठीक है ना, तो आपका जो बी वाला ऑप्शन होगा इट विल बी करेक्ट इफ यू स्टडी द ऑप्शंस प्रॉपरली, ए बी सी आर पॉजिटिव, ये पहला ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया और दूसरा ब्रैकेट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में पॉजिटिव ही आएगा, फिर एड करने के बाद पॉजिटिव ही बनेगा, तो ले देखिए पूरा आपका ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है।
this is why you will get the option is A, B, C are positive. Okay, taking the first term of an AP to be alpha, the sum of the first m terms is zero. So sum of first m terms ki jo value hai wo zero hai, theek hai na? Aur jo aapka first term hai a1, that is a1 is equal to alpha. ठीक है ना, देन द सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स आपने निकालना है, तो नेक्स्ट एन टर्म्स का जो सम आएगा वो आएगा एस एम प्लस एन माइनस एस एन. ठीक है ना, तो एस एम प्लस एन आपको मालूम है क्या होगा, एम प्लस एन अपॉन टू, टू ए, टू ए माने टू अल्फा, प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ओके, तो ये आपका डी आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये आपका आ जाएगा इस टाइप से एस एम प्लस एन माइनस एस एम. तो एस एम क्या आपका जीरो के बराबर है, और यहां से अगर मैं एस एम को फिर से एक बार दोबारा लू, एस एम इक्वल टू जीरो लू, तो यहां से आ जाएगा एम अपॉन टू इंटू टू अल्फा प्लस एम माइनस वन इंटू डी. तो यहां से हमें डी की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू जीरो करूंगा तो ये तो आप ऑलरेडी आपका जीरो में चला गया, और डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू अल्फा अपॉन एम माइनस वन, ये वैल्यू आ जाएगी. तो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं डी की वैल्यू और इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो जो बचेगा आपका वही रिजल्ट होगा, एम प्लस एन अपॉन टू टाइम्स टू अल्फा प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह पे आ जाएगा माइनस टू अल्फा अपॉन एम माइनस वन. ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कीजिए फटाफट. ठीक है ना, एम प्लस एन अपॉन टू, और यहाँ से आ जाएगा आपका टू को तो कैंसिल कीजिए, एक काम कीजिए टू कैंसिल कीजिए, टू ये अभी कैंसिल और ये वाला भी टू भी कैंसिल. ठीक है ना, इस टू को तो हटाई दीजिए आप, तो क्या बचा आपके पास केवल ये टू आपके कैंसिल हो गए. ठीक है, टू से आपका ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल. ठीक है, एम प्लस एन बचा आपका, और साथ में अल्फा आपका कॉमन आ रहा है. ठीक है ना, अल्फा बाहर ले लेते हैं, और क्या बचा फिर यहाँ आपका वन, यहाँ माइनस का साइन बन जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, ये आ गया. आफ्टर दैट एम प्लस एन टाइम्स अल्फा, और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एम माइनस वन माइनस एम माइनस एन प्लस वन अपॉन एम माइनस एन. ठीक है, तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, माइनस वन से प्लस वन कट गया, माइनस एम से प्लस एम कट गया. ठीक है, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, ये आपका आ जाएगा इसके बाद एम प्लस एन अल्फा, साथ में आ जाएगा आपका ये आपका माइनस एन बचे है. ठीक है ना, माइनस एन को यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस एन अपॉन एम माइनस वन. तो व्हाट इज द रिजल्ट, माइनस एन अल्फा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस वन, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा. तो कोई ऑप्शन है आपके पास माइनस एन अल्फा, तो माइनस तो कहीं पे नहीं है, लेकिन अगर नीचे वाले को अगर मैं माइनस नीचे वाले में भेजू तो ये वन माइनस एम बन जाएगा, तो वन माइनस एम है कहीं पे नीचे डिनोमेटर में, तो वन माइनस एम वाला आपका यहाँ दिख रहा है पहला ऑप्शन, और ऊपर में क्या है एन अल्फा टाइम्स एम प्लस एन अपॉन वन माइनस एम, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ माइनस वन टू द होल पावर वन बाई थ्री, मीन्स वन एस वन का हमने क्यूब रूट निकालना है. तो अगर आपको वन का क्यूब रूट मालूम है तो वो सीधे सीधे आपका आ जाएगा, वन का क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं आपका. ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज व्हाट, वन माइनस वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और होता है माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ये तो वन का क्यूब रूट हो गया. तो माइनस वन का क्यूब रूट निकालने के लिए सबके आगे माइनस लगा दीजिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन, इसके बाहर भी माइनस लगा दीजिए आप, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस वन, वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और तीसरा क्या आ जाएगा, वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू. तो हमसे पूछा वन ऑफ द वैल्यूज, तो इनमें से एक वैल्यू हमारी कौन सी होगी, पहला दो तो होगा नहीं वन, दूसरा वाला क्या होगा, वन प्लस रूट थ्री आयोटा, ये ही आपका माइनस रूट थ्री रूट के अंदर है, सॉरी माइनस थ्री रूट के अंदर है, तो रूट थ्री आयोटा ही बोलेंगे इसको हम, तो वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, तो टू विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 28 सेंटीमीटर,
through what distance does the center move during one revolution of the wheel along the ground? So directly a 2πr ke barabar hi move karega, 2πr circumference ke barabar. So circumference kya hota hai uska, 2 into 22/7 into radius kitna ho jayega uska, 14. Diameter 28 hai to radius 14 ho gaya, 7 × 14 22 into 4 88. So 88 centimeter jo hoga, it will be correct answer. So 2 will be the correct answer to this question. Then cos 45 degree cos 60 degree minus sin 45 degree sin 60 degree. So seedhi seedhi identity bani hui, cos x cos y minus sin x sin y. So cos kya aapka, cos x plus y. So x aapka 45 hai plus y aapka 60 ho gaya. ठीक है, तो हम इसको cos 90 plus 15 भी लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो वैसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, 60 plus 30 यहां से ले लिया, 15 बच गया. तो cos 90 plus 15 क्या हो गया, minus sin 15. ठीक है ना, तो sin 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, root 3 plus 1 upon 2 root 2, ये वैल्यू होती है sin 15 की. और इसके आगे माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन पहले से है, तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस root 3 minus 1 upon 2 root 2. So ye aapka seedhe seedhe answer ho gaya, minus root 3 upon 2 root 2. To ye aapka pehla option hi iska correct ho jayega, 1 will be the correct answer to this question. Then what is the angle of elevation of sun when the length of the shadow of a pole is root 3 times is the height of the pole, means jo chhaye ki lambai hai wo root 3 times hai pole ki height ke. To ye aapka pole ho gaya suppose, and this is shadow, theek hai na, agar ye x hai, ye aapka root 3 times पोल की हाइट की, 3 टाइम्स पोल की हाइट x हो गई और शैडो की हाइट root 3x हो गई. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ये थीटा निकालना है, तो सीधे tan लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x upon √3x, तो 1/√3 आ गया. तो थीटा की वैल्यू कब होती है, 1/√3 30 डिग्री पे. ठीक है, तो आंसर आपका सीधे-सीधे 3 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, a वेक्टर हमें गिवन है, a i कैप plus 2j cap plus 3k cap, b vector bhi given hai aur c vector bhi given hai. Then a plus lambda b vector will be perpendicular to c vector. To a plus lambda times b vector, theek hai na, a plus lambda times b vector is perpendicular. To dot product hoga c vector ke sath, iska dot product 0 ho jayega kyunki dono perpendicular hai. To a plus lambda b kya banega, idhar 1 hai, yahan minus lambda aa jayega. To 1 minus lambda I cap, ठीक है, प्लस फिर 2 और यहां पे भी 2 है, तो प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप. ठीक है, और फिर तीसरा लग क्या जाएगा, 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ c वेक्टर के साथ, c वेक्टर के आपका 3 i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0. तो डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हुए क्या बन जाएंगे, आपका 3 minus 3 lambda. ओके, और j वाला जो आपका ये वाला पार्ट है, j के साथ तो यहां 1 है, तो ये सेम ही रहेगा आपका. ठीक है, तो j के साथ आपका 2 plus 2 lambda ही रहेगा, 2 plus 2 lambda, और k वाला आपका 0 हो गया, equal to 0. तो यहां से क्या आ रहा आपका, minus lambda plus 5 equal to 0. तो lambda की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 5 के बराबर. ठीक है, तो 4 will be the correct answer to this question. And a problem in physics is given to 3 students whose chances of solving it are 1/4, 1/3, 1/2. What is the probability that the problem will not be solved? तो problem solve ही नहीं होगा. तो 3 student है आपके, पहला student solve करने की probability 1/4, दूसरे student के solve करने की probability 1/3, और तीसरे student की solve करने की probability 1/2. तो प्रॉब्लम कब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्वड, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुआ, दैट मींस किससे भी नहीं हुआ. तो पहला जो स्टूडेंट है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 − 1/4. दूसरा स्टूडेंट सॉल्व नहीं करेगा, 1 − 1/3, और तीसरा स्टूडेंट सॉल्व नहीं करेगा, 1 − 1/2. तो यहां से आपका आ जाएगा 3/4, और ये आपका दूसरा स्टूडेंट का आ जाएगा 2/3, और तीसरा आ जाएगा 1/2. इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, 1/2 × 4. तो 1/4 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, पहला फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब इज बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 300 डेज ऑफ यूज
इज 0.05, मतलब एक बल्ब की फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी है 300 दिन के बाद 0.005. द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फाइव सच बल्ब्स नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं, विल फ्यूज आफ्टर 300 डेज ऑफ यूज. तो सीधे सीधे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है ना. तो बल्ब का जो फ्यूज होना उसको सक्सेस मान लेते हैं, तो उसको पी मान लिया हमने. पी आपको गिवन है कितना, 0.05, ठीक है. दैट मीन्स 5/100, दैट मीन्स 1/20, ठीक है ना. तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 - 1/20, ठीक है ना. तो 20 - 1, 19/20 हो गया, ठीक है. तो टोटल आपका है 5 सच बल्ब्स, तो नॉट मोर देन, क्या बोले, नॉट मोर देन 1, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स 1 से कम भी चलेगा और 1 भी चलेगा. दैट मीन्स तो 5C0, ठीक है ना, ये होगा 0 वाला. और आपका कहने का मतलब ये है कि P, ये हमने निकालना है, PX=0 प्लस PX=1, ये हमने निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो PX=0 का आप मीनिंग जानते ही क्या होता है, 5C0, और Q की पावर में आ जाएगा 5, और P की पावर में 0 माने 1, प्लस 5C1 Q की पावर में, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 1 का 4, और Q P की पावर में 1, ठीक है. तो 5C0 तो 1 हो गया, Q की वैल्यू कितनी है, 19/20 टू दी होल पावर 5, प्लस 5C1 आपका 5 हो गया, Q की पावर कितनी है आपकी 4, Q आपका है 19 की पावर 4 अपॉन 20 की पावर 4 इंटू P कितना आपका 1/20. तो यहां से अगर हम कॉमन लो दोनों में से तो क्या आ जाएगा, 19/20, तो 19 की पावर 4 तो कॉमन आ रही है, और 20 की पावर यहाँ पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में इन दोनों की पावर जोड़ के 5 ही बनेगा, तो 20 की पावर 5 कॉमन आ गया, ठीक है ना. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, पहले वाले में तो बच गया आपका 1, दूसरे वाले पार्ट में क्या बच गया, 5, ठीक है, 5 बच गया, और कुछ बचा, 19 की पावर 4 तो कॉमन ले लिया था आपने, सॉरी पहले वाले में 19 बचा आपका, 19 आपका बचा है, ठीक है ना. 19 की पावर 5 में से 19 की पावर 4 कॉमन आई थी, दूसरे वाले में 19 की पावर 4 और ही पूरा 5 ही 5 बचा, इतना ही बचा, ठीक है. तो यहाँ आपका कितना है, 19 टू दी पावर 4 अपॉन 20 टू दी पावर 5 इंटू 24, ये आपका आ गया इस टाइप से. तो ऐसा कोई रिजल्ट है हमारे पास, तो ऐसा है नहीं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 19/20 अगर मैं इसको ब्रेक करूं, 19/20 अगर इसको 4 लिखूंगा तो इसमें से 20 को अलग करना पड़ेगा, नीचे में 20 की पावर 5 थी तो ये 20 एक अलग कर दिया, तो इनको कैंसिल जब हम करेंगे तो किससे कैंसिल करें, इसको 4 से कर लेते हैं, 4 6 = 24, 4 5 = 20, तो कितना आ गया, 6/5, 90/20 की होल पावर 4. तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है आपका देख रहा होगा, 3 वाला जो ऑप्शन है, 6/5 टाइम्स 90/20 टू दी होल पावर 4. So this will be the correct answer to this question. Pair of six phase die is thrown 6 times. 6 मुंह वाला एक जो आपका होता है normal dice जो होते हैं, ठीक है ना, 6 बार उसको throw किया जाता है. If getting a total of 7 is considered a success, the probability of getting at least 5 successes is. तो फिर से आपका binomial जो binomial distribution का problem है आपका ये. तो success कब होगा, जब total 7 आएगा. तो 7 आने की क्या-क्या chance हैं? 1 6, ठीक है ना, पहले वाली रो से, दूसरे वाली रो से आपका 2 5 हो जाएगा ये, तीसरी वाली रो से 3 4, चौथी वाली रो से 4 3, पांचवी वाली रो से 5 2, और छठी वाली रो से आपका 6 1. तो इनका सम करके 7 आ रहा है, आप देख रहे हैं 6 + 1 7 1 + 6 7 2 + 5 7 so on. तो टोटल ऐसे जो फेवरेबल आउटकम्स आपके वो है कितने, 1 2 3 4 5 6. तो सक्सेस जो आपकी होगी पी, वो हो जाएगा 6 अपॉन टोटल कितना आउटकम से 36, तो 1/6 आपका आ जाएगा सक्सेस होने, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना. तो और सक्सेस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6, दैट मीन्स 5/6, ठीक है. तो यहां से आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो कम से कम 5 सक्सेस, तो x = 5 और उससे ज्यादा भी, ठीक है ना. px = 5 + px =
सिक्स, ठीक है, तो यही बनेगा हमारा एटलीस्ट फाइव सक्सेसेस. तो एक्स इक्वल टू फाइव और एक्स इक्वल टू सिक्स, ठीक है. तो यहां से हम ऐड करेंगे इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका टोटल, आपके सिक्स टाइम्स फेस फेंका गया इसको, सिक्स सी फाइव और क्यू टू दी पावर, क्यू टू दी पावर वन हो जाएगा. क्यू कितना आपका फाइव अपॉन सिक्स इंटू पी टू दी पावर फाइव, पी कितना है वन अपॉन सिक्स टू दी पावर फाइव, ठीक है, प्लस पी एक्स इक्वल टू सिक्स. तो सिक्स सी सिक्स और q की पावर जीरो दैट मीन्स वन, p की पावर p कितने है वन अपॉन सिक्स की पावर सिक्स, ये आ जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सिक्स सी फाइव कितना हो जाएगा आपका सिक्स इंटू फाइव अपॉन सिक्स टू दी पावर सिक्स, यहाँ भी आ गया इनको ऐड करके, प्लस सिक्स सी सिक्स वन, वन अपॉन सिक्स टू दी पावर सिक्स. तो इसमें वन अपॉन सिक्स टू दी पावर सिक्स तो कॉमन ही आ रहा है आपका, ठीक है. और क्या बचा फिर पहले वाले ब्रैकेट में, फाइव सिक्स या थर्टी, थर्टी बजिए प्लस वन, ठीक है. तो टोटल कितना आ गया 31, यहां से आपका रिजल्ट आ गया 31 अपॉन 6 टू द पावर 6. तो बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसका ऑप्शन, ठीक है ना, 31 अपॉन 6 टू द पावर 6, दिस विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. दिए गए चित्र में वर्ग OABC, OABC आपका एक स्क्वायर है, ये आपका क्लास 10th के एनसीईआरटी का डायरेक्ट प्रॉब्लम है आपके. OPBQ एक आपका सर्कल का क्वाड्रेंट हो गया और OA की जो लेंथ है साइड ऑफ द स्क्वायर, OA 20 सेंटीमीटर को गिवन है, तो AB भी 20 सेंटीमीटर होगा स्क्वायर की जो साइड है. अगर मैं OB को ज्वाइन करूं तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो सीधे सीधे 20 रूट टू इसकी लेंथ हो जाएगी OB. OB माने जो आपका ये चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, इसका रेडियस हो गया ये त्रिज्या, ठीक है. तो वन अपॉन, तो ये सेडेड एरिया हमने निकालनी है, सेडेड एरिया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे. क्वाड्रेंट के एरिया क्या हो जाएगी आपका 1/4 इंटू पाई, पाई इंटू आर स्क्वायर. व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 20√3, तो 20√3 का स्क्वायर क्या, 20 का स्क्वायर 400, रूट टू का स्क्वायर 2800 आ गया आपका, माइनस स्क्वायर की एरिया, स्क्वायर की जो साइड है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो 4 से ये आपका कट गया 200 टाइम्स, 200 आपका कॉमन आ रहा है, कितना बचा है पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं हम यहाँ, माइनस यहाँ बच गया 2, तो यहाँ से कितना गया 200 इंटू 22-14, दैट इज 8 अपॉन 7, दैट मीन 1600 अपॉन 7. तो 1600 को 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो 7 टू जा 14, 20, फिर 7 टू जा 14, फिर 20, 7 7 टू जा 14, यहाँ बचा 6, सॉरी 7 8 जा 56, यहाँ बचा 4, तो कितना आ जाएगा 228 होल 4 अपॉन 7. तो 228 होल 4 अपॉन 7, 1 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द लाइन आर फैक्टर इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड द प्लेन का इक्वेशन भी आपको गिवन है. तो पहले तो हम एक काम करते हैं, जो प्लेन का जो नॉर्मल है वो वैक्टर आपको गिवन है, ये हो गया, और जो लाइन के साथ जो पैरेलल आपका वेक्टर है वो ये आपका हो गया, ठीक है ना. तो जब इनके बीच का एंगल निकालूंगा, तो मतलब एंगल हमारा जब इनके बीच में निकालेंगे हम, तो ये एंगल आएगा आपका जो प्लेन के साथ नॉर्मल है और जो लाइन है उसके बीच के एंगल आएगा, ठीक है. और जो हमने एक्चुअल एंगल निकालना है उसको हम 90-थीटा करके निकाल देंगे, ठीक है ना, लास्ट में, क्योंकि वो जैसे आपका ये प्लेन हो गया, ये नॉर्मल है इसके साथ, ठीक है, और ये लाइन हो गई, सपोज ये लाइन हो गई, तो ये एंगल हम निकाल रहे हैं और ये वाला एंगल हमने निकालना है. तो इसको ये एंगल निकालने के लिए फिर इसके बाद हम निकाल देंगे 90-थीटा करेंगे, तो ये वाला एंगल 90-थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हम निकालते हैं आपका डॉट प्रोडक्ट करा दी फिर इनका, 2i कैप cos थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, cos 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ओके, अपॉन इनका मोड. तो इनका मोड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है. और दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा आपका, 2 टू जा 4 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 3 आएगा, ठीक है, अपॉन इसका भी मोड कर लीजिए आप, ठीक है.
तो नीचे में कितना आ रहा है, 9 प्लस 1 10, 10 10 4 जा 40, रूट 40 आ गया आपका ये, इंटू 4 प्लस 1 5 6 इंटू रूट 6, ठीक है। तो यहां से आपका आ रहा है कितना, इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो ये तो सीधे ऊपर वाले से आ जा रहा है आपका 0, नीचे वाले को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, ठीक है ना, खाली ऊपर वाले में थोड़ा दिमाग लगाया तो पहले ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो 4 माइनस 4 0, दैट मीन्स जो थीटा है आपका, थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, कॉस पाई बाई 2 में, तो थीटा इतना है। तो दूसरा एंगल जो आपका रिक्वायर्ड एंगल फाई है, तो वो आपकी 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, दैट मीन्स 90 माइनस पाई बाई 2 दैट इज व्हाट, 90 माइनस पाई बाई 2 दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड वाला जो आपका आंसर है, 90 माइनस पाई बाई 2 मीन्स 90 हुआ, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है 0 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इन एलएक्स प्लस एमवाई प्लस सॉरी एलएक्स प्लस एमवाई इक्वल टू 0 इज रोटेटेड अबाउट इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन जेड इक्वल टू 0 अबाउट सॉरी थ्रू एन एंगल अल्फा, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजिशन इज, ये आपको गिवन है एलएक्स प्लस एमवाई प्लस माइनस जेड रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डॉट लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो जब प्लेन नया पोजिशन में आएगा तो उसका जो इक्वेशन बनेगा, जब अल्फा एंगल घूमेगा तो एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है ना, प्लस इसको मान लेते हैं एन एन जेड, जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो एन जेड इक्वल टू 0, ये बन जाएगा प्लेन का नया पोजिशन पे जो आपका प्लेन का इक्वेशन आएगा। और जो पुराना वाला था वो तो ऑलरेडी था एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इस न्यू पोजिशन विल बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल हम निकाले हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एल इंटू एल एल स्क्वायर प्लस ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, ठीक है ना, प्लस सी वन सी टू, तो ये तो 0 ही हो गया आपका, अपॉन रूट ऑफ पहले वाले के जो कोफिशियंट्स है आपके उनका स्क्वायर का सम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और दूसरे वाले में रूट ऑफ दूसरे वाले इक्वेशन में जो कोफिशियंट्स है एक्स और वाई के, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूले से ही आ गया। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे तो इसको दो पार्ट में भेजिए, पहला इसको एक मान लीजिए आप इसके साथ भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये और ये जो आपका है एल स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लाने पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा इसको इस तरह भेजने पे, ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपका क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना, सॉरी हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन आ जाएगा आपका एन स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा सॉरी टेन ही तो बनेगा एन स्क्वायर सॉरी टेन स्क्वायर ही बनेगा ये, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है ना, एन स्क्वायर की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस टेन थीटा रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमें ये जो आपका इक्वेशन गिवन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ठीक है ना, एन जेड आपको मिले तो ये पूरा एन की वैल्यू है, ये जो आपको गिवन है ये एन है, जेड तो यहाँ पर ऑलरेडी है प्लस माइनस एन जेड, तो ये एन की वैल्यू अगर कंपेयर करूंगा इसको और इसको, ठीक है,
तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ भी ये दोनों इक्वल ही होगी, तो लेमडा की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, टेन थीटा के बराबर। तो 4 विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। A person speaks truth in 60% of the cases and another person B speaks false in 30% of the cases. In what percent of the cases they are likely to contradict each other in stating the same fact? तो कॉमन क्वेश्चन आपका ही, ठीक है। तो पहला जो पर्सन है पर्सन ए जो है, और दूसरा पर्सन मान लेते पर्सन बी है, ठीक है ना। तो उसके ट्रूथ बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है पी टी इक्वल टू कितना गिवन है 60%, तो 60/100 माने 6/10, ठीक है। और जो इसके ट्रूथ नहीं बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मींस ये क्या बोलेगा फॉल्स, तो इसके फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1 में से घटा दीजिए आप 10 माइनस 1 माइनस 6/10, दैट इज 10 माइनस 6 4/10 हो जाएगा। और जो दूसरा पर्सन बी है उसके ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कितनी है मालूम नहीं है, फॉल्स बोलने की इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 30%, तो 3/10 हो गया, 30% 30/100 3/10। और ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 3/10, 10 माइनस 3 7/10 आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो दोनों कंट्राडिक्ट करेंगे, दैट मीन्स कंट्राडिक्ट करेंगे मीन्स एक ट्रू बोलेगा दूसरा फॉल्स बोलेगा। दैट मीन्स सपोज पहले वाले ने ट्रू बोला, पी ए ने ट्रू बोला और दूसरे वाले ने क्या बोला फॉल्स, पहला केस तो ये बन रहा है, दूसरा जो है बी ने क्या बोला फॉल्स, दोनों एक साथ सही नहीं बोल रहे हैं, मींस एक ट्रू बोल रहा है तो दूसरा फॉल्स बोल रहा है, ठीक है ना। या दूसरा वाला हो सकता है प्लस, या पहला वाला जो आपका पर्सन है वो फॉल्स बोल रहा हो और दूसरा क्या बोल रहा हो ट्रू बोल रहा हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पर्सन बींग ट्रू, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो पर्सन ए की ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10 इंटू पर्सन बी की फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10 प्लस पर्सन ए की फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10 और पर्सन बी के ट्रू बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/10। तो इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा आपका 6 + 6 = 18, 18 + 28/100। तो ये आपका कितना आ गया इसको सॉल्व करने पे इक्वल टू 20, 30 + 16 46/100 आ गया आपका, ठीक है ना। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो इनटू 100% करेंगे तो ये आपका 46% के बराबर आ गया, ठीक है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन 46%। अ परपेंडिकुलर PN इज ड्रॉन फ्रॉम P593 अपॉन अ लाइन NL गिवन बाय, ये आपका लाइन का इक्वेशन गिवन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट एन ऑफ द परपेंडिकुलर पी एन आर, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी, आपका ये पॉइंट पी हो गया 593 और इससे एक लाइन ये आई, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ यहाँ पे, इस लाइन का इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन जब आता है आपका तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से चलिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर वो लैम्डा मानोगे, आप इसको के मानोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे तो लेंथी टास्क है। तो जो क्वेश्चन हमारा देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, तो ये सपोज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एम है, एम के कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई जेड हो गए, तो ठीक है ना, ये जो एक्स वाई जेड है ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं एम के ये सेटिस्फाई करेंगे किसके, लाइन के इक्वेशन को, ठीक है ना। तो लाइन पे लाई कर रहे हो तो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसा आपका पहला x-1/2 = क्या है y-2/3 = z-3/4। तो यहाँ पर आप देखिए x जो पहला अगर हम ऑप्शन लें पहला ऑप्शन, तो अगर मैं x की जगह पे -5 रखूंगा तो क्या आएगा आपका -5 - 1 - 6/2 दैट मींस -3 इक्वल टू, और y की वैल्यू कितनी -9, तो -9 - 2 - 11/3, तो ये तो वैसे कंट्राडिक्ट हो गया इक्वल नहीं आ रहे, तो पहला ऑप्शन तो वैसे इनकरेक्ट हो गया। दूसरे बढ़िए तो 3 - 1 - 2 - 2/2 - 1, ठीक है ना। फिर आपका सेकेंड में y कोऑर्डिनेट है 5 - 2 - 3 - 3/3 - 1, ये तो अभी तक ट्रू हो रहा है। थ्री वाला थर्ड वाला 7 - 3 - 4 - 4/4 - 1, तो ये आपका 1 = 1 = 1 दैट मीन सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन, ठीक है ना। बाकी आप चेक कीजिएगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज, तो ऑप्शन आपको गिवन है। तो सपोज आपका एक प्लेन है यहाँ, दिस इज अ प्लेन, सपोज दिस इज अ प्लेन एंड देयर इज अ पॉइंट P, सपोज इसके ये जो पॉइंट है इसका पी कोऑर्डिनेट हो गए ABC इस पॉइंट के, और यहाँ पे ओरिजिन से 0, 0, 0 से,
एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर रहा है और ये एम जो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया और पी एम जो है आपका किसके ऊपर लाई करेगा प्लेन के ऊपर और ओ एम इसके ऊपर क्या हो गया नॉर्मल हो गया। ठीक है तो देखिए दोनों अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालू ओ एम वैक्टर और पी एम वैक्टर निकालू और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये आपका जीरो के बराबर आना चाहिए क्योंकि दोनों जो आप एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है तो एम के कोऑर्डिनेट्स आप मान लीजिए एक्स वाई जेड। ठीक है ना तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए पहले तो ओ एम वैक्टर निकालते ओ एम वैक्टर क्या हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये तो ओ एम वैक्टर हो गया। ठीक है ना वैसे ही पी एम वैक्टर निकालेंगे तो पी एम वैक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कराना है। ठीक है ना डॉट प्रोडक्ट पी एम वैक्टर क्या बनेगा आपका एक्स माइनस ए आई कैप ठीक है प्लस वाई माइनस बी जे कैप और प्लस जेड माइनस सी के कैप ये आपका ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट कराने पे क्या आ जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस बी प्लस जेड इंटू जेड माइनस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास क्या निकला एक्स स्क्वायर दूसरे वाले ब्रैकेट से वाई स्क्वायर आ गया तीसरे वाले ब्रैकेट से जेड स्क्वायर बन गया और पहले वाले ब्रैकेट से ये प्रोडक्ट किया तो माइनस ए एक्स आ गया दूसरे वाले ब्रैकेट से माइनस बी वाई आ जाएगा तीसरे वाले ब्रैकेट से माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो। तो ये आपका लोकस हो जाएगा उस पॉइंट का। ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू जीरो तो वन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ओन द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, 6 द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज तो सीधे सीधे आपका ये सीधे हो जाएगा आपका 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप का क्या मॉडुलस तो सीधे इसका जो मॉडुलस आपका निकाल दीजिए उसका। ठीक है तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 36 दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो सीधे सीधे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b एंड 1, 1 आर कोलिनियर देन a इनवर्स प्लस b इनवर्स विल बी इक्वल टू तो इनका जो डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0 1 अपॉन 2 a 0 1 और आपका जो y कोऑर्डिनेट्स है आपके 0 b 1 फिर 1 1 1 ठीक है तो ये किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको एक्सपेंड कीजिए आप डायरेक्टली तो ए के साथ क्या आ जाएगा आपका बी माइनस वन और जीरो तो आपका जीरो ही है तीसरे वाले में क्या आ जाएगा फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने पे वन वन के साथ क्या आ जाएगा जीरो माइनस बी तो ये आपका माइनस बी आ गया इक्वल टू व्हाट यू आर गेटिंग जीरो। तो यहाँ से आपका ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू ए बी आ गया ए बी सी सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू वन ए बी से डिवाइड करने पे तो यहाँ आपका आ जाएगा बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स इक्वल टू वन। ठीक है ना तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 8 विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 विल बी तो ये आपकी लाइन है एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 ठीक है और एक पॉइंट है 3, 8 सिंपल सा क्वेश्चन है इसका इमेज निकालना है तो ये बात आ गई इमेज जो होगा सपोज एक्स वाई जेड है। ठीक है ना तो ये आपका इमेज हो गया और इमेज अगर हम चलते हैं सॉरी एक्स वाई जेड कहाँ से अगर टू कोऑर्डिनेट वाला है ठीक है ना तो ये आपका एक्स वाई होगा इमेज एक्स कॉमा वाई समथिंग लाइक दिस। ठीक है तो अगर ये 1, 4 है पहले ऑप्शन के हिसाब से चले तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा लाइन के इक्वेशन को तो इनका मिड पॉइंट क्या बना 3 प्लस 1 4 4 अपॉन 2 2 कॉमा 4 प्लस 8 12 12 अपॉन 2 6 तो 2 कॉमा 6 क्या सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन को तो चेक कर लीजिए आप 2 प्लस 18 तो ये आपका 2 प्लस 18 इज समथिंग डिफरेंट देन 7 तो 7 के बराबर नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन में चलिए माइनस 1, 4 अगर हम ले दूसरे ऑप्शन में तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 2 इज 1 8 प्लस 4 12 अपॉन 2 इज 6 तो 1, 6 क्या सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा 1 प्लस 18 तो 19 के बराबर आ रहा है तो दूसरा ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया पहला और दो ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए। तीसरे वाले में 1, -4 है 1, -4 ठीक है ना तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकाले तो 3 प्लस 1 4 4 अपॉन 2 इज 2 8 माइनस 4 दैट इज 4 अपॉन 2 2 तो इसको सेटिस्फाई करें आपका ये 2
प्लस 3 2 जा 6 दैट इज इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 7, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो चौथा ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं, तो चेक करेंगे तो माइनस वन कॉमा माइनस फोर, तो आपका क्या आएगा, 3 माइनस वन 2 अपॉन 2 दैट इज 1 और 8 माइनस 4 4 अपॉन 2 इज 2। अब इसको चेक कीजिए, आप इस पर रखिए लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 3 वाई इक्वल टू 7, तो 1 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, चेक कीजिए 1 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ रहा है 7, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो 4 विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सीधे प्रॉपर्टी बेस्ड आपका e टू द पावर x वाला, e टू द पावर x x माइनस 1 dx अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो वैसे आप देखिए प्रॉपर्टी बेस्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, अगर इस टाइप का कोई आएगा, fx का डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, ठीक है ना, डिफरेंशियल ये है, तो इसमें सीधे सीधे आपका इंटीग्रल होगा क्या, e टू द पावर x fx के बराबर आएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लग रही है, तो अगर आप आंसर देखें तो सीधे सीधे आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं, तो e टू द पावर x ये आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो आपका सेकेंड वाला, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, देखिए अगर आप उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x, x माइनस 1 की जगह भी लिख दिया x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ भी x प्लस 1 का होल क्यूब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये आपका क्या आया, यहां से आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और ये आपका कट के क्या बन जाएगा, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले को, इन दोनों को e टू द पावर x, अगर पहले वाले को fx मानो सपोज में, ठीक है ना, ये e टू द पावर को छोड़िए, ये आपका fx है, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आपका f डैश x जो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं, इस डिफरेंशिएट कर यही आएगा, तो आपका रिजल्ट सीधे सीधे हो गया कितना, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स की आपका 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, टाइम की कमी की वजह से ये आगे हम सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है पेपर में जिनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो अभी जो है ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो के लिए लास्ट होगा, एंड जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अगर टाइम मिलेगा तो आई ट्राई टू गिव द सॉल्यूशंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लेट अस डू इट, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स गिवन है, ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप x इक्वल टू साइन थीटा मानते तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा क्या बनेगा ये। तो पहला, अगर आपको साइन थीटा मानेंगे तो पहला वाला बन जाएगा आपका, पहला पार्ट 10 इनवर्स 10 थीटा बन जाएगा, और दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका, sec इनवर्स sec थीटा हो जाएगा दूसरा वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर आप उसको साइन थीटा पुट अप करेंगे तो ये तो ओरली दिमाग में सॉल्व, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा sec थीटा, तो सीधे सीधे हो रहा है सॉल्व, x इक्वल टू क्या माना था आपने, साइन थीटा, ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और बाकी तो आप ये सीधे, आपका ये थीटा बन गया, ये आपको y की वैल्यू है, y इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा हो गया, हमने क्या निकालना है, dy by dx, तो y इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। तो dy by dx क्या हो जाएगा आपका, तो 2 साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपका, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको मालूम ही है, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x square, okay, so 2 will be the correct answer to this question.